हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र योगी। एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ, जिस जानकारी की आपको लंबे समय से इंतजार था। अभी तक आपको एक सूचना मिल रही थी वेबसाइट के थ्रू कि जो दिसंबर 2020 का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होके कब होगा, मार्च अप्रैल 2021 में होगा। तो अब उसकी एक फाइनल डेट आ गई है। वो क्या है कि ये जो 2021 में आपका नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम होगा वो होगा मई 2021 में, और जो उसकी डेट दी गई है वो दी गई है 2 से 17 मई 2021। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी जानकारी कि क्या कुछ बदलाव हुआ है सिलेबस में, परीक्षा पैटर्न में, और क्या नई बातें यहां पर जुड़ी हैं, और कब कब आपको फॉर्म भरना है, कब क्या चीजें होंगी। पूरी बातें विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये नोटिस जो है मिल रही है अभी, ये नोटिस मैं आपको बता दूं कि ये आधिकारिक वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं हुई है। वहां अपलोड होने में अभी इसको कुछ घंटे लग सकते हैं, लेकिन आज से ही आपको फॉर्म भरने का समय मिल जाएगा। और इस एग्जाम को, जो ये एग्जाम होना है, उसको नाम दिया गया है यूजीसी नेट दिसंबर 2020 साइकिल मई 2021। ठीक है, मींस जो 2020 दिसंबर में एग्जाम होना था वो एग्जाम कब हो रहा है, मई 2021 में। 2 फरवरी यानी कि आज की डेट की ये नोटिस है। सबसे पहले पैराग्राफ में, ये ब्रीफ में एनटीए का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपके काम की जानकारी यहां दूसरे पैराग्राफ से दी गई है। कह क्या रहे हैं, द एनटीए विल कंडक्ट द नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर दैट इज नेट ऑन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 एंड 17। ठीक है, मींस की टोटल छुट्टियों को मिलाकर के 2 से 17 मई 2021 के बीच में ये टेस्ट कंडक्ट होना है। मतलब आपको डेट मिल गई, आज की डेट है 2 फेब, 2 फेब। एग्जाम आपको देना है कब, 2 मई। इसको हम फर्स्ट डेट मानते हैं। क्यों मानते हैं, यही तक का समय हम काउंट करते हैं, क्योंकि जिसका भी एग्जाम 2 को पड़ेगा उसके पास इतना ही समय होगा, और जिसका जितना लेट होता जाएगा उतना उसको समय प्लस होता जाएगा। तो इतने दिन में अगर हम काउंट करें तो 26 डेज आपके फेब में मिलते हैं, 2 डेज मई के, जिसको हम टोटल 28 डेज मान लें। देयर आफ्टर प्लस 31 डेज आपके मार्च के, प्लस 30 डेज आपके किसके हो गए, अप्रैल के। ठीक है, आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 89 डेज का समय आपके पास है, यानी कि 3 मंथ आप मोटा मोटा मान ले। 3 मंथ मानने से अच्छा है मैं कहूंगा 89 डेज आप मान के चलें, क्योंकि एक एक दिन अब आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, स्ट्रेटजी के विषय में हम लोग बातें आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्या चीजें नई यहां पर आई हैं। देखिए, जो दूसरी बातें बताई गई हैं पेपर पैटर्न के विषय में, वो लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है। 2 पेपर होंगे, एक साथ होंगे, 3 घंटे का समय होगा। पहला पेपर जो होगा सेम 50 क्वेश्चंस के होंगे, 100 मार्क्स होगा, ये जनरल पेपर होगा, ठीक है, सभी के लिए होगा। और दूसरा जो होगा 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ये सब्जेक्ट का होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है स्पेसिफिक उसी का होगा। दूसरी चीज आप देखिएगा जरा, 9 से 12 पहला शिफ्ट होगा, 3 से 6 का दूसरा शिफ्ट होगा। एग्जाम सीबीटी मोड में ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे होता था अभी तक एनटीए जिस तरह से कंडक्ट कराता है।
और इसका जो नाम दिया गया, जैसे हमने कहा किस नाम से इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आते ही मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा नए वीडियो में, ठीक है। कब से कब तक भरा जाएगा, जो कि अवेलेबल हो जाएगा 2 फेब को। कहां पर? दो वेबसाइट्स हैं आपकी, एनटीए की मेन वेबसाइट है www.nta.ac.in, दूसरा जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ugcnet.nta.nic.in। तो इन दोनों वेबसाइट्स पर ये जो ब्रोशर है ये अवेलेबल हो जाएगा आज देर शाम तक, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आगे जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा कब से, 2 फेब से। तो जो भरना चाहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो 2 फेब 2021 से 2 मार्च 2021 के बीच में रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फीस जमा करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, किसी रीजन से आपका फीस पे नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, वो क्या है, 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि 3 मार्च को हम 2 मार्च को फॉर्म अप्लाई करेंगे, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे और अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। तो ये तो बात थी आपकी एग्जाम की, कब होगा, कैसे होगा, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या करना है। देखिए आपके पास है 89 डेज, जिसमें आपको पेपर 1 और सब्जेक्ट दोनों पढ़ना है। निश्चित रूप से आप अभी तक पढ़ते रहे हैं, लेकिन अभी पढ़ाई को थोड़ा सा और मजबूत करना है, फाइनल टच देने की बारी है। तो इसकी एक अलग से स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करेंगे कि इन 89 डेज में हम लोग सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, ठीक है। और दूसरी एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं, जो हमारी JRF स्पेशल क्लास है, JRF स्पेशल क्लास है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये एक पेड क्लास है, ठीक है, जिसकी फी बहुत कम है, जेन्युइन फी है, जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है, only 6,000, ठीक है। अगर इसी में आप 800+ कर लेते हैं तो आपको, अभी मैं 800+ करने पर एक चीज एक्स्ट्रा दूंगा, वो क्या होगी, 1,5,500, यानी कि 55 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चंस का, सब्जेक्ट का, ठीक है। ये किसके लिए है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं JRF क्लास की, ये मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 800 मींस की 6,000 आपकी कोर्स की फी है, प्लस आप अगर इस 5,500 क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं प्रिंट में, ठीक है, किसमें, प्रिंट में, तो आपको इस 800 रुपीज को एक्स्ट्रा पे करना होगा, और आपको ये जो है आपके घर पर प्रिंट फॉर्म में पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा। दूसरा, अब इस कोर्स में आपको मिलता क्या है, देखिए जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे 101 वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि अभी तक की हुई क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जिनमें हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर दिया है, बाकी 1, 2, 3 इसको लगभग 80%, 80% के लगभग में कंप्लीट कर दिया है। और इसके साथ ये जितनी क्लासेस हुई हैं इनका PPT नोट्स आपको मिल जाता है, जिसे आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा क्या, शाम को रोज 4 से 6, 4 to 6 PM, ठीक है, क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, कहाँ,
ऑन जूम ऐप, ठीक है। जूम ऐप पर हमारे साथ कनेक्ट होना है, वहां हम चीजों को आपको डिटेल में पढ़ाते चलेंगे, ठीक है, तब आपका क्लास प्रॉपर हो जाएगा। इतने के बाद आपका सिलेबस हम कम से कम 20 दिन पहले, 20 डेज पहले कंप्लीट कर देंगे, और यहां पर आपको मिलेगा एक रिवीजन बैच, ठीक है। रिवीजन क्लास मिलेगी जिसमें हम पेपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और पॉइंट्स को और बेटर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के ये 20 डेज आपका फाइनल टच होगा, ठीक है, ये आपका फाइनल टच होगा, ठीक। तो ये इतनी चीजें आपको मिलेंगी, कितने रुपए में, ओनली 6,000 आपको पे करना है, प्लस आपको 800 पे करना है अगर आप चाहते हैं 5,500 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसको हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। इसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, प्लस हम आपके साथ डिस्कस भी करने वाले हैं, तो ये चीजें आपको मिल जाती हैं। अब डिसीजन आपका है, फैसला आपका है, सक्सेस आपकी है। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में इस जानकारी और इस स्ट्रेटेजी के साथ कि ये 89 डेज, 89 डेज आप कैसे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में अपनी स्ट्रेटजी के विषय में कि कैसे इन डेज को हम मैनेज करें कि सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, वो आपकी खुशी होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, क्योंकि जितने आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही हमको एनकरेजमेंट मिलेगा, और हम यूट्यूब पर जो क्लासेस लिमिटेड हैं वो भी आपके लिए फ्री कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कराएंगे। चैनल पर आपके लिए एक जो है प्लेलिस्ट है फ्री कोर्स की, वहां पर आपको खूब सारा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, नेट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।